जुगनू गरीब की रोशनी कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े ज़मींदार से होती है जो अपने घर को लाइट दिए और रंगोली से सजाता है और सभी मजदूरों को अच्छे से काम करने की सलाह देता है। जमींदार की बेटी का नाम पूजा होता है और उसकी सहेली होती है रोशनी। वह अपनी बेटी से कहता है, बेटी तुम्हें नए कपड़े पसंद तो आए ना। ठीक उसी समय मुंशी आता है और कहता है, मालिक गांव के कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। वह तुरंत बगीचे में जाता है तो सभी गाँव के लोग कहते हैं, मालिक इस बार का कर और लगान माफ कर दीजिए, हमारे घरों में भी कुछ रोशनी आ सके, हम कुछ दिए जला सके, हम बहुत गरीब हैं, हमारी खुशी आपसे है, अगर आप हमें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तभी राजा कहता है, अरे क्या हमारे खर्चे नहीं हैं, भला तुम्हारे घर में आता ही कौन है। हमारे महलों में बड़े बड़े सेठ साहूकार आते हैं, बहुत सारी सफाइयाँ और मिठाइयाँ भी लगती है, तुम जल्दी जल्दी अपना सभी लगान चुकाओ ताकि मैं अपने आगे की तैयारियाँ कर सकूँ। मुंशी सबको लगान बताता है और सभी अपने अपने लगान को चुकाकर गांव में वापस लौटते हैं। दूसरी तरफ पूजा अपनी सहेली को ढेर सारे नए नए रंग बिरंगे कपड़े दिखाती है और रोशनी कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारे पास तो एक से बढ़कर एक लाल पीली पोशाकें हैं। उसी वक्त उसकी माँ आती है और पूजा को ऐसे नौकरों को गंदे हाथ से कपड़े दिखाने के लिए मना करती है। रोशनी कहती है, बड़ी माँ मेरे हाथ खराब नहीं है, मैंने अभी साफ किए हैं। तभी ठकुराइन को बहुत गुस्सा आता है, वह कहती है, मुझे बड़ी माँ मत बुलाओ, वो तो तुम्हारी माँ इस घर में कामकाज करती है, इसीलिए मैं तुम लोगों को बर्दाश्त करती हूँ, अब चलो जल्दी जाओ यहाँ से। पूजा अपने घर में उदास होकर घर के बाहर बैठती है और बाहर से जमींदार के सजे हुए घर को देखती है। अपने पिता से प्रश्न करती है, पिताजी हमारे घर में ऐसी रोशनी कब आएगी, जरा देखिए तो सही यहाँ कितना अंधेरा है, क्या हम कभी दिया नहीं जला पाएंगे। उसके पिताजी कहते हैं, हम बेहद गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ऐसे में हमारे पास दो वक्त का खाना आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ इस बार दिवाली में तुम्हारे लिए नए कपड़े ज़रूर ला दूंगा। अगले दिन ठकुराइन रसोई घर में खाना बनाने आती है, तभी पूजा की माँ कहती है, ठकुराइन क्या थोड़ा सा सरसों का तेल मिल जाएगा, वह मेरी बेटी को दिया जलाना है। तभी ठकुराइन कहती है, तुम गरीब लोग और तुम्हारे ख्वाब इतने बड़े बड़े, चलो जाओ यहाँ से। अगले ही पल में रोशनी और पूजा खेल रहे होते हैं, तभी वह समुद्र में एक जुगनू को डूबते हुए देखते हैं। जमींदार की बेटी कहती है, मैं तो नहीं छूऊंगी, अगर तुम्हें बचाना है तो तुम जाकर बचाओ। रोशनी तुरंत ही नदी में कूदती है और जुगनू को लकड़ी के सहारे बाहर निकाल देती है। शाम को वह अपने घर आती है और मिट्टी से दिए बनाती है। रोशनी को पूरी उम्मीद होती है कि वे दिए को ज़रूर जला पाएगी। शाम को जब उसकी माँ घर आती है तब कहती है कि ठकुराइन ने तेल देने से मना कर दिया और रोशनी निराश होकर अपनी खिड़की के आगे खड़ी हो जाती है। तभी देखती है कि जमींदार और पूजा उसकी घर की तरफ देख रहे हैं। एक आसमान से जुगनू आता है और उससे कहता है, रोशनी तुमने जैसे मेरी मदद की थी मैं अपने सभी दोस्तों को लेकर आया हूँ तुम्हारे घर को जगमगाने के लिए। रोशनी बाहर आकर देखती है तो उसका पूरा घर झिलमिला हो उठता है। वह जुगनू से कहती है, ऐ जुगनू तुम हमारे गांव के सभी घरों में रोशनी कर दो और सभी घर को अपनी रोशनी से जगमग कर दो ताकि हम भी बड़े बड़े जमींदार और साहूकारों के जैसे दिवाली को मना सके। जमींदार और उसकी बेटी पूजा और ठकुराइन को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह तीनों मिलके तुरंत ही रोशनी के घर जाते हैं और पूजा रोशनी से पूछती है, तुम्हारे घर में अलग सी रोशनी है, ये जुगनू मेरे घर में क्यों नहीं। तभी रोशनी कहती है, अगर तुम अपने आसपास के लोगों के लिए दया प्यार और समर्पण की भावना रखोगी तो तुम्हारे घर में भी आएंगे। और वह उसे गले से लगाती है। दूसरी तरफ छोटे प्यारे जगमगाते हुए जुगनू पूरे गांव को रोशनी से भर देते हैं और सभी लोग बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरी अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।